Hello students, I'm Dr. Charu Sharma, and today we are going to start with the major subject series in which we have taken up first of all Dravya Gun. Dravya Gun ka aaj orientation lecture hai. Aapko dhyan se sunna hai ki Dravya Gun mein se questions kahan kahan se puche jaate hain aur kaise kaise humko uski preparation karni hai. To ye strategy jo hai Dravya Gun ke liye aaj hum is lecture mein discuss karenge. बट उससे पहले जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको क्या डिस्कस करनी है इधर कि जब हम द्रव्य गुण पढ़ रहे हैं, जब हम सब्जेक्ट्स पे आ रहे हैं, तो आपको क्या नहीं भूलना है. यू हैव टू मेंटेन दिस ब्रिज बिटवीन संहिता एंड सब्जेक्ट. संहिता अभी बहुत हद तक कवर हुआ है, मेन एरिया. साथ साथ में जो बाकी एरिया कवर कर रहे हैं वो चलेगा. तो सब्जेक्ट वाले में शालाक्य आएगा, उत्तर तंत्र जो है सुषुप्त तंत्र का, सुषुप्त उत्तर तंत्र जो है उसके साथ कवर करेंगे. तो मेन एरिया जो है, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें पूरे वीक की जो क्लासेस हैं, ठीक है, उस वो कैसे होंगी कि आप एक दिन जो है समय जो है चरक सिद्धि पढ़ेंगे, चरक कल्प पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे आपका लेक्चर होगा सब्जेक्ट का, फिर उसके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो फिर से संहिता का होगा, एक लेक्चर आपका शालाक्य का होगा, फिर उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट का लेक्चर दोबारा लेंगे. तो ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट के लिए शेड्यूल है ताकि आपको कम से कम दो दिन मिले वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने के लिए. और इन द मीन टाइम आप फिर संहिता पे जाओ, संहिता कवर करो, संहिता से क्वेश्चंस करो, फिर सब्जेक्ट पे आओ. तो जो इस संहिता टू सब्जेक्ट का ट्रांजिशन है ये बहुत ही आपका स्मूथ होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट करना स्टार्ट किया तो संहिता को छोड़ दिया, ये गलत आदत नहीं डालनी है. इसीलिए बीच में ऐसा शेड्यूल बनाया है कि संहिता भी कवर हो और आप सब्जेक्ट भी साथ में लेके चलो, क्योंकि जो जनवरी का टाइम होता है इट इज़ द बेस्ट टाइम टू कवर योर सब्जेक्ट्स. अभी एग्जाम जो है प्रपोज डेट हमको नहीं, जो है कन्फर्मेटरी डेट अभी नहीं आई है, बट हम लेके चलेंगे कि अप्रैल में ही एग्जाम है ताकि हम प्रिपरेशन उस हिसाब से करें, ताकि जो हमारे पास सरप्लस टाइम बचे हम उसको और यूटिलाइज करें अपनी रिविजन के लिए, अपनी रैंक को बेहतर बनाने के लिए. तो ये जो टाइम है इस समय पर जब हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको रोज रिपीटेड डोज में जो है सब्जेक्ट करना होता है. मेन आपका बेस जो है संहिता का रहता है और दोनों को साथ में लेके अब हमको चलना है. अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि सब्जेक्ट जो हम द्रव्य गुण की बात कर रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कैसे पूछे जाते हैं. तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है निकाल के रखे हैं. क्वेश्चंस जो है ये AIAPGET 2018 के हैं. तो पहला क्वेश्चन देखो, जटामासी भाप्रकाश निघंटु के किस वर्ग में सम्मिलित है. कर्पूरादि वर्ग जो है, इट इज़ अ करेक्ट आंसर. तो ये निघंटु के भाग से जो है कवर हुआ है. तो ये आपका माइनस संहिता जब हम भाव प्रकाश पढ़ेंगे तब वहाँ पे भी आएगा, और जब हम द्रव्य गुण पढ़ रहे हैं तो उधर भी हम कवर ये पॉइंट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ त्रिवृत. तो एक क्वेश्चन जो है वो आपके लैटिन नेम से आने वाला है, ओपरक्युलर टर्पेथम जो है दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ त्रिवृत, और ये जो है कॉनवोल्यूसे फैमिली का है, शंख पुष्पी भी जो है वो भी इसी फैमिली का होता है, ठीक है. और इसमें क्या होता है, बेल शेप्ड फ्लावर्स जो है हमको मिलते हैं. अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि पित्त शामक रस जो है कषाय तिक्त व मधुर, अगर जो है इसका गुण अधिक क्या होगा तो असमर्थ होगा. इसका मतलब क्या है कि इसके ऑपोजिट अगर गुण होंगे, पित्त के ऑपोजिट मतलब पित्त के जो है अगर सिमिलर गुण होंगे, एक द्रव्य है जिसका रस तो है कषाय तिक्त और मधुर, बट उसके खुद के जो है फिजिकल गुण उसके क्या है, उसके अगर पित्त को बढ़ाने वाले ही हैं तो वो कैसे पित्त को काउंटर करेगा. तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तीक्ष्ण उष्ण एवं लघु, क्योंकि यही होते हैं पित्त के गुण. तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये रस जो फर्स्ट पेपर है द्रव्य गुण का वहां से ये पूछा गया है. दाश रस इस सर्व रस प्रत्यनिक भूता, चरक सूत्रसान 26वां चैप्टर है. कौन सा है, लवण है. ये हमने पढ़ा है सर्व रस प्रत्यनिक भूता का क्या है, लवण है. तो आपको याद आया हमने मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय हर एक के टैबुलर फॉर्म में उनके गुण पढ़े थे, फीचर्स पढ़े थे, अतियोग से लक्षण पढ़े थे. तो आज आपका होमवर्क ये है, होमवर्क नंबर 1 कि जाके चरक सूत्र 26 जो है पढ़ो. आप 26 पढ़ोगे तो 25 तो ज़रूर पढ़ना ही है, अग्रह संग्रह आपको कम से कम करना ही है. तो 45 से 50 मिनट्स का टाइम खुद को दो, 25वां चैप्टर 26वां चैप्टर, और जो हमने जो है
फर्स्ट चैप्टर में जो द्रव्य वर्गीकरण जो पढ़ा था कि 66 द्रव्य होते हैं, 16 मूलिनी है, 19 फलिनी है, षड शोधन वृक्ष है, तो ये सब चीजें जो हमने कवर की थी उसको फिर से रिवाइज करना है। होमवर्क नंबर 1 आपको ये मिला। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, वानस्पत्य। तो जो है वानस्पत्य, वनस्पत्य, विरुद्ध और औषध, तो ये चार टाइप से जो है कैटेगराइजेशन दी गई है। चरक ने भी दी है, सुश्रुत ने भी दी है, बस उसमें वृक्ष जो है वो सुश्रुत बोलते हैं। तो वानस्पत्य क्या है, फल है, पुष्प है, वनस। तो जो इसमें हमने देखा था कि हमने मोनोमिल की तरह उसको याद किया था, फलैर वनस्पति, फल पुष्पैर वानस्पत्य है। तो ये जो है आप ध्यान रखो, देखो वनस्पति में आप कंफ्यूज होगे जब इसमें एक ही ए है, पर इसलिए हिंदी वाला पढ़ो, हिंदी को देख के कंफर्म करो, देवनागरी वाले स्क्रिप्ट को लेके कंफर्म करो कि पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है। विरुद्ध जो है प्रतानवती जो बोला गया है, फल पाक निष्ठया जो है औषध होता है, हमको मालूम है, ये कवर किया है चरक सूत्र 1, द्रव्य गुण के पार्ट में भी आता है। अब आता है अकॉर्डिंग टू दलहन जो है मृत्सना जो है वो कौन सा एक गुण होता है, तो वो किससे रिलेट करते हैं हम, शीत से नहीं होगा, रुक्ष से नहीं होगा, मधुर से नहीं होगा, किससे होगा, पिच्छिल से होगा। आंसर क्या है इसका, पिच्छिल है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हरितकी का जो है रसायन प्रभाव जो है शरद ऋतु में किसके साथ हम करते हैं, तो इसके लिए क्या है हमने क्या देखना है, इसमें भाव प्रकाश में हम ऋतु हरित की पढ़ेंगे, तो ऋतु हरित की जो है वो कंसिडर करेंगे, तो उसमें जो है कौन से ऋतु में किसका रसायन प्रभाव है वो वहां पे दिया गया। तो ये पूरा एक एक करके नहीं, आपको 6 के 6 ऋतु का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो गुण से आया है, क्या है कि कौन सा गुण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आह्लादन, तो कौन सा होगा, शीत गुण ही आह्लादन के लिए। तो ऐसे द्रव के गुण है, स्निग्ध के गुण है, मृदु के गुण है। आज के लेक्चर में ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पेपर 1 जो डिस्कस करेंगे उसमें ये सारी चीजें कवर करेंगे, इसलिए मैं इसको रिपीट अभी नहीं कर रही हूँ। तो ये मैंने जो है क्वेश्चन आपको 2018 के पेपर के दिखा दी कि क्वेश्चंस जो है यहाँ यहाँ से पूछे गए हैं। तो अभी हमको क्या पॉइंट निकल के आता है, क्या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकल के आता है कि द्रव्य गुण के पेपर के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 में आपको सिद्धांत दिए हुए हैं, रस गुण वीर्य विपाक की जो है जो संहिता में जहां जहां पे वर्णन है उसका डेफिनेशन है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। पेपर 2 में क्या आता है, पर्टिकुलर ड्रग्स जो है उनका लैटिन नेम, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, प्रयोज्यांग पूछा जाता है, पर्याय पूछा जाता है, प्रतिनिधि द्रव्य पूछा जाता है, तो मेनली क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो अब हम इसको डिवाइड करें तो पेपर 1 से जो है 30% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर 2 से 70% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बनाया गया है ये लास्ट के मतलब 2019, 2018, 2017, 2016 और उससे पहले के जो 5 मतलब जो टोटल 5 पेपर्स जो 5 रीसेंट पेपर्स थे उसमें से देख के जो है एक्सपर्ट्स ने बनाया है कि पेपर 1 से 30% क्वेश्चंस हैं, पेपर 2 से 70% क्वेश्चंस हैं। पर वो 30% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आप कभी भी किसी भी केस में जो है आप उसको अंडर जो है उसको भूल नहीं सकते, कभी भी उसको आप गलत नहीं कर सकते। तो अब इससे क्या निकल के आया कि व्हाट आर द की पॉइंट्स टू रिमेम्बर। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए जो भी ड्रग्स हैं हमारे पर्टिकुलर ड्रग्स उनका लैटिन नेम क्या है और उनकी फैमिली क्या है, जैसे त्रिवृत्त का क्वेश्चन था। दूसरा जो है सिनोनिम्स बहुत पूछा जाता है कि जिसके सिमिलर सिनोनिम्स होते हैं, एक द्रव्य है जो जैसे जो है मान लीजिए पूछा गया है कि चित्र तंडुल क्या है, तो ये टिपिकल सिनोनिम्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। अपामार के लिए क्या आया है, तो ये सिनोनिम्स वाले एरिया में हम कवर करेंगे। उसके बाद पूछा जाता है प्रतिनिधि द्रव्य, फॉर एग्जाम्पल अगर एक द्रव्य नहीं है तो आप उसके ऑल्टरनेट द्रव्य क्या यूज करोगे, जैसे कि हम जो हमारे अष्ट वर्ग है अगर वो नहीं है तो उनकी जगह पे हम ऑल्टरनेटिव क्या यूज करेंगे। और पेपर 1 जो है जिसमें कि बेसिक प्रिंसिपल्स का सिद्धांत सारा आता है, रस गुण वीर्य विपाक क्या क्या है वो सब पूछा जाता है, तो ये हमें कवर करना है। कहाँ पे कवर करना है, ये हमारा द्रव्य गुण का जो है बेसिक बन गया कि ये सब चीजें एटलीस्ट आपको फोकस करके चलनी है जब भी आप द्रव्य गुण पढ़ रहे हो। तो अब हमने जो है इन लेक्चर जो पूरा द्रव्य गुण का जो सिलेबस है उसको कैसे डिवाइड किया है, उसको डिवाइड किया है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। तो लेक्चर 1 में हमको क्या पढ़ना है, पेपर 1 में जो डेफिनेशंस दी गई हैं रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, तो ये हमको कवर करना है लेक्चर 1 में।
इसकी इसमें डेफिनेशंस के साथ साथ इसकी डिविजन्स क्या हैं, कितने टाइप के रस बताए हैं, कितने टाइप के गुण बताए हैं, वीर्य किस किसने कितने बताए हैं, द्विविध विपाक किसने बताए, त्रिविध किसने बताए, प्रभाव के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है, कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि प्रभाव को फॉलो करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया, ये है लेक्चर वन में हम पूरा जो है संहिता का बेस लेंगे, चरक का भी लेंगे, सुश्रुत का भी लेंगे, और ये पेपर वन जो है उसका बेसिक पार्ट हम कवर करके रखेंगे लेक्चर वन में, ठीक है। अब आएगा आपका लेक्चर टू, लेक्चर टू में हम क्या कवर करने वाले हैं, लेक्चर टू में आएगा हमारा सबसे कंफ्यूजिंग एरिया जो कि क्या है, मोस्ट कंफ्यूजिंग है, मोस्ट स्कोरिंग है, लैटिन नेम, पर्याय, प्रतिनिधि द्रव्य एंड पार्ट यूज्ड। अब लैटिन नेम को याद करने का क्या तरीका है वो हम डिस्कस करेंगे, कैसे आपको दिन में उसको कितनी बार पढ़ना है, कैसे कैसे उसको जो है गैप दे दे के पढ़ना है, और कैसे फैमिली वाइज उसको पढ़ना है, उस तरीके से हमको लैटिन नेम बहुत जल्दी याद होंगे, पर्याय हमको पढ़ने हैं, प्रतिनिधि द्रव्य जो है वो लॉजिकली याद करने हैं, और पार्ट यूज जो है वो आप एक बार ड्रग को सोचते हो तो पार्ट यूज जो है उससे निकल के आता है, और जो टिपिकली पार्ट जो अलग से जैसे फल रज जिसका यूज होता है, जावित्री जो है ऐसे बोला गया है, तो जो ये अलग अलग पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, निर्यास कौन सा किसका है, कैसे उसके नॉमिनेचर है, कैसे वो यूज होता है, ठीक है। हमारा आ गया लेक्चर टू में हम ये कवर करेंगे। लेक्चर थ्री में क्या आएगा, निघंटु हम कवर करेंगे, मिश्रक गण कवर करेंगे, और द्रव्य गुण जो कि संहिता में आया है, कुछ छोटे छोटे एरिया जहां जहां पे कवर हुए हैं, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, उसका पूरा जिस जो है हम निकाल के चलेंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम आएंगे लेक्चर नंबर फोर पे। लेक्चर नंबर फोर में हम क्या देखेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिस्कस करेंगे, और भाव प्रकाश का पूरा एरिया, भाव प्रकाश निघंटू जो है वो डिस्कस करेंगे, प्रथम खंड में क्या है, मध्यम में क्या है, उसके आगे कैसे दिया गया है, स्पेशलिटी क्या है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो भाव प्रकाश की देन है, कौन से ऐसे नए ड्रग्स हैं जो कि भाव प्रकाश ने मेंशन किए हैं, सिमिलर सिनोनिम्स कौन कौन से हैं उसमें, जैसे कन्फ्यूज नहीं होना। तो ये चार लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द्रव्य गुण, और ये द्रव्य गुण पढ़ने का क्या तरीका है, एक हफ्ते में आपकी दो द्रव्य गुण की जो क्लास होगी उस दो द्रव्य उस आपको तो टाइम मिलेगा, देखो पढ़ने के लिए दो क्लास हो रही है तो एटलीस्ट तीन दिन आपको मिलेंगे एक लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, तो वो आपको जो है बार बार पढ़ना है। और जैसे ही आप लेक्चर टू पे आओगे तो लेक्चर वन भी आपको पता होना चाहिए, लेक्चर थ्री पे आओगे तो लेक्चर वन प्लस लेक्चर टू का पूरा कंटेंट आपको याद होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेक्चर फोर में लेक्चर वन, लेक्चर टू, लेक्चर थ्री, और एक आपके पूरे लेक्चर्स खत्म होते हैं आपको एक हफ्ते का टाइम मिलेगा, देन वी विल ऑर्गेनाइज अ टेस्ट ऑफ द्रव्य गुण, और उसके बाद जो भी आपका आगे जाके टेस्ट होगा, जो मेजर टेस्ट होंगे उसमें द्रव्य गुण हमेशा ही आपको करना है, ठीक है। और द्रव्य गुण के साथ साथ जो बाकी मेजर सब्जेक्ट्स हमको फोकस करने हैं, रस शास्त्र, बाल ग्रह, बाल रोग, और प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, तो इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और फिर हम उसके बाद फोकस करना स्टार्ट करेंगे हमारे माइनर सब्जेक्ट पे, फर्स्ट ईयर में माइनर, सेकंड ईयर में माइनर, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे करके संहिता के साथ साथ हमको सब्जेक्ट लेके चलना है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है उन स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना है, चरक साथ में चल रही है, सुश्रुत साथ में चल रही है, बैलेंस बना के चलना है, और मिनिमम 10 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही है, और अभी से जो है थोड़ी थोड़ी डोज में जो है सब्जेक्ट लेना आप शुरू करो, ठीक है। तो ये जो है हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, आपका जो जनवरी का शेड्यूल था सभी स्टूडेंट्स को समझ आया, सभी स्टूडेंट जो है वो शेड्यूल फॉलो करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आपको बताना है कि कहाँ पे जो है गड़बड़ लग रही है, क्यों नहीं हो रहा है, तो इसी तरीके से जो हमको अभी आगे बढ़ना है। And if you want to register for this AIAPGET 2020 course, you can contact our technical team and the number is given below. तो अभी जो है सभी students को focus क्या करना है, संहिता का area अपना पूरा strong करके लेके चलो, साथ साथ लेके चलो, ताकि जब हम द्रव्य गुण के subject पे move करें तो हमारा जो है base ready हो, ताकि हम उस पर जो है अपनी अपनी लेयर्स बनानी शुरू करें, मेजर सब्जेक्ट की लेयर, माइनर सब्जेक्ट की लेयर, क्योंकि जब आप एग्जाम के पहले होगे तो आपको हर चीज़ रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता, जो चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट है वही एग्जाम में आप जो है कर पाओगे। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम से एक दिन पहले आप सोचो कि मैं सब पढ़ लूँ तो सब कर लूँगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी के साथ चलो, अंधाधुंध नहीं चलना है हमको, सोच समझ के तैयारी करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट।